मैं जी, अब आपने यहाँ पे शपथ ले ली भाई, हम अच्छी नीयत से काम करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दी उनका भी काम करेंगे, ये तो है ना, बिना वो भेदभाव के काम करेंगे जी। तो अब क्या आपके तो सामने जरूरत है किस चीज पे ज्यादा ध्यान देने के लिए? हर गांव में जावांगे, हर सबसे सलाह लेकर जो वो काम करण का होगा बिल्कुल सहमति से, पहले उनकी राय फिर काम। धन्यवाद ही दौरा मार दे। हाँ होगा, लोगों ने आपको वोट नहीं दी उनको लेके आपका क्या कहना फिर आपसे? मैं जिनने वोट दी है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिनने नहीं दी उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये जीत मैं एक प्रतिनिधि जिनने सबका हूँ, 40,000 वोटर है मेरे एरिया में, तो मैं सबका प्रतिनिधि हूँ, ना कि उनका जिनने वोट दी है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई गाड़ी में बैठ के फड़ाओगे भाई उस पन्ने में तो उस बोर्ड में तो वोट नहीं आ रही उनका भी लाज? देखिए भाई, जगदीप फड़ाना तो पड़ता है और फड़ाएंगे भी कि किसने दी किसने। क्या आपका प्राथमिक कर्तव्य है भाई? मैं जानते ही काम करूंगा अभी जिला परिषद में। 5 साल का कार्यकाल होने के बाद लगभग 2 साल तक रिक्स में रहा है, तो उसमें बहुत सी समस्याएं खड़ी होगी, बहुत से काम जो करने हैं। जब सारे गांव में कंपेनिंग के दौरान जब गए तो स्टेडियम की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं, पुस्तकालय किसी भी गाँव में नहीं, पुस्तकालय सभी गाँव में बनवाने का प्रयास किया जाए। ना काम बढ़िया करांगा सारा भाई साहब, बता दिया अपना जनता के बीच में, जिस तरह वोट मांगिया से ना एक दिन थी तो मला क्यों को नहीं, मैंने 5-7 साल हो ली भैया मन दियाणी, जिस तरह भैया ने वोट दिया से उस तरह बीच में इकट्ठा कर करके इन काम करांगा। तो भाई भिवानी में खड़े हैं और यहाँ पे सारे जिला परिषद ओथ लेने लग रहे थे और सभी यहाँ पे खड़े भी हैं, बात कर ले। राम राम जी। राम राम। अच्छा कहाँ से हैं? वार्ड नंबर 19 लोहारू। लोहारू से। अच्छा आज आप लेके आए शपथ या आप लेके आए? हाँ जी। अच्छा क्या खट्टर साहब थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा के कुछ होया शपथ में? हमने तो आज तक बेरा नहीं मारे, तो अब तक बाग में है नहीं शपथ शपथ का सिस्टम। आज बात क्या चली थी वहाँ, कुछ सुना होता? हुआ तो जी गांव की सेवा के बारे में बताया था, ये काम देंगे अपने सेवा देंगे ये करवानी गांव। तो सारे के सारे एक के सुर में बोलना थे ना जी, सब ने अलग अलग शपथ लिए। अलग अलग शपथ लिए, ज्यादा टाइम लग गया? हाँ जी। अच्छा तो आज शपथ लेके किसा लग गया भाई, किसी की फीलिंग आई? अच्छा फीलिंग हो रही जी। नमस्कार जी, आपसे दोबारा बात करें, डिप्लोमेट इनसे बात कर लिया। बहन जी भाई इन्होंने पिछड़ा दी 16 में, इब के काम करोगे लोहारू में? लोहारू हल्के में जो हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है जी, और जो जनता की विचारधारा है, जनता की आवश्यकता है और जिस सोच से हमें जनता ने चुना है, उसके हिसाब से हम जनता की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करेंगे। और इसके लिए हमारे प्रदेश की हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत सहयोग रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है। इसके लिए मैं हमारे मंत्री महोदय श्री जेपी दलाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार। राहुल मुंडाल से। रुक जाइए भाई, अगर कोई है तो अपना, मैं एक बार कैंडिडेट, रुक जाइए भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। राम राम। अच्छा, भाई जो इलेक्शन हुआ है जी भाई, शानदार जीत। हाँ जी भाई। और मैं तो आपके दादाजी थे जो उनसे मैं कई बार मिला करता, बातचीत आपके लिए होया करती। हाँ जी। क्या कहना है जीत के बाद? मैं जी वार्ड नंबर 2 से जिला परिषद उम्मीदवार हूँ जी, और अभी शपथ दिलवाई है कि जैसे सबको शपथ दिलवाते हैं कि आने वाले समय में हम अच्छा कार्य करें और इस तरह की बातें। मैं तो पिछली बार चुनाव लड़ा, उस बार से लेकर अब तक 7 साल लगातार मेरे वार्ड में रहा हूं और ये मेरे पूरे वार्ड की जीत है, मेरे साथियों की जीत है। वार्ड की जो भी समस्या होगी चाहे किसी भी तरह की हो, और सार्वजनिक तो एक अथॉरिटी के अनुसार मैं जिला परिषद हूँ ही, लेकिन कोई पर्सनल भी जो कोई मुझे कहेगा, मैं दिन रात 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उनके लिए तैयार रहूँगा, पूरे वार्ड के लिए हमेशा। अभी एक मिनट को भाई साहब। राम राम। राम राम। कौन सा गांव, कौन सा वार्ड बताओ? मैं वार्ड नंबर 6 भिवानी ना, ये गोरीपुर कितलाना से जिला परिषद हूँ, अभिषेक पहाड़ी। अच्छा जी। और ये मेरी नहीं, मेरे वार्ड नंबर 6 वासियों की सबकी जीत है। अच्छा एक सवाल आप दोनों से कॉमन सा है कि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दी उनको लेके आपका क्या कहना फिर आपसे? मैं जिनने वोट दी है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिनने नहीं दी उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये जीत मैं एक प्रतिनिधि जिनने सबका हूँ, 40,000 वोटर है मेरे एरिया में, तो मैं सबका प्रतिनिधि हूँ, ना कि उनका जिनने वोट दी है। जी।
कहीं ऐसा तो नहीं भाई गाड़ी में बैठ के नू फड़ाओगे भाई उस पन्ने में तो उस बोर्ड में तो वोट नहीं आ रही उनका भी लाज देखिए भाई जगदीप फड़ाना तो पड़ता और फड़ाएंगे भी कि किसने दी किसने नहीं दी। लेकिन मैंने पिछली बार इलेक्शन लड़ा तो 5815 वोट आई थी, अब की बार मेरी 7000 वोट आई हैं, पिछली बार 25000 पोल हुई थी, अब की बार 21500 पोल हुई हैं, तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो जिन लोगों ने वोट नहीं दी लगातार 7 साल उनके भी बीच में रहे, उनके भी सुख दुख में रहे, और आगे भी 30907 वोटर थे पूरे वार्ड में, और उनके अलावा जो भी पूरी जनता सभी के सुख दुख में रहेंगे चाहे वोट दी हो या ना दी हो सब एक समान है। अच्छा एक मुद्दा चला हुआ हरियाणा के युवाओं का, अब आप इसमें थोड़ा सा फंस को लेकिन ज़्यादा डिप्लोमेट नहीं है, एक तो सीईटी का मुद्दा लेकर है और एक हरियाणा पुलिस को लेकर है, आपका क्या कहना है? मेरा इस बारे में अभी मैं लोगों से विचार करूंगा, जो गांव का जो होगा उसके उनकी आवाज़ को लेके मैं आगे आऊँगा, जो उनका विचार है उनके बारे में, बिना स्टडी के इसके बारे में मैं कोई कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। वाह जी आपका क्या कहना भाई साहब? सीईटी और हरियाणा पुलिस का जो भी है, देखो कई दिन से इलेक्शन में थे, मुद्दे का मुझे कुछ पता नहीं है, फिर भी जो भी होगा सरकार ने लगातार 7-8 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार अच्छे काम किए हैं, आगे भी सरकार अच्छे करेंगी, कुछ गलती होगी तो शायद सुधार लेंगे। अब आगे का प्लान क्या है? इब घर जाओगे, आज तो चलो रेस्ट कर लो, लेकिन कल से क्या प्लान हो जाओगा, अभी क्या काम करना है आप? कल से नहीं आज से ही प्लान है, आज जैसे ही शपथ हुई डीसी साहब को मैंने पहले वो बताया कि वोटर जो मैनेजमेंट है, जो वोटर वेस्टेज होती है, जो वोट पानी का निकास है, वो किस ढंग से हो, जिस तरह हमारे जो पुराने जोड़ है गाँव के, तो उनमें जो पानी जितना भी गाँव का खराब जो पानी आता है निकास का, वो सारा जोड़ में होता है, तो उसको किस तरह निकाला जाए उनके बारे में मैंने डीसी साहब से बात करी इस चीज के बारे में, तो वो मेरा एक मेन मुद्दा रहेगा इस बारे में। भाई साहब आपका तो जो गांव है उसके पीछे मैं आज उसके पीछे को आया था मैं तलु में, तो पानी पानी बहुत ज्यादा उस साइड, आपका क्या फर्स्ट ऑप्शन भाई? मैंने पहले जाके तो काम जगदीप भाई पानी वहाँ हर बार भरता है, वहाँ हर बार पानी भरता है और ड्रेन टूट जाती हैं, लेकिन अब जेपी दलाल जी ने वहाँ पे दौरा किया था लगभग 2-2.5 महीने पहले, अब पानी लगभग सूखने के कगार पे, और आने वाले समय में मंत्री जी के आदेश से ऐसा वहाँ पे प्रबंध हो चुका है, लाइन दबेंगी, कई ऐसे कार्य हैं जो मैं आपको बताऊँगा तो देर लग जाएगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या मुंडाल गिर्द गिर्द नहीं रहेगी, आदरणीय जेपी दलाल जी ने उसका पूरा प्रबंध कर दिया है। ओके तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। जी धन्यवाद आपका। थैंक यू राहुल भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 तो भाई भाई साहब रह गए वहाँ पे, उनसे मिल लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी जगदीप भाई सुनाइए। और जी कैसे आप? बहुत बढ़िया भाई। वार्ड कौन सा क्या है? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 गांव कौन सा है? मेरे को गांव देवसर दिनो धलवास डाणा नरसान पहलादगढ़ गोविंदपुरा बीरण। ओके ओके अच्छे बड़े बड़े गाँव से आप। क्या आपका प्राथमिक कर्तव्य है भाई? मैं जानते ही काम करूंगा अभी जिला परिषद में। 5 साल का कार्यकाल होने के बाद लगभग 2 साल तक रिक्स में रहा है, तो उसमें बहुत सी समस्याएं खड़ी होगी, बहुत से काम जो करने हैं। जब सारे गांव में कंपेनिंग के दौरान जब गए तो स्टेडियम की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं, पुस्तकालय किसी भी गांव में नहीं, पुस्तकालय सभी गांव में बनवाने का प्रयास किया जाएगा, पूर्ण करेंगे उस काम को। सामुदायिक भवन जो पुरानी परंपराएं होती थी, जो पर्स हम बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी समाजों की जो पर्स हैं वो खंडित हो चुकी हैं, उनका पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। जोहड़ हैं जो उनका रिजर्वायर सिस्टम है, उनमें गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं वो खंडर हो चुके हैं, उनका दोबारा से निर्माण करवाने की कोशिश की जाएगी। मतलब हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है, बहुत से स्टेडियम ऐसे हैं जिनमें 4 दीवारी अभी तक नहीं है, 4 दीवारी है तो ट्रैक ख़राब है। फिर जो लड़कियों के लिए खास तौर से एक प्राइवेसी ज़रूरत होती है, छोटी लड़कियां वहाँ जाके चेंजिंग रूम में अपना जो स्पोर्ट्स करने के बाद और पहले, वो चेंजिंग रूम किसी भी गांव में मैंने नहीं देखा, वो बहुत 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 ऑब्जर्वेशंस हैं। हाँ, और ताकि स्पोर्ट्स जो करियर है वो सिर्फ लड़कों तक सीमित ना रहे, गांव में मैंने समस्या देखी लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम की है या मल्टीपर्पज़ हॉल की जो समस्याएँ हैं सभी गाँव में, उनको प्राथमिकता के तौर पर काम करना चाहेंगे। एक युवाओं का मुद्दा है सीईटी को और हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग को लेके, अगर आपने इस मामले में स्टडी कर रखा तो क्या कुछ करना चाहिए? सीईटी में आप क्या पूछना चाहते हैं, बी स्पेसिफिक क्या पूछना चाहते हैं? सीईटी को लेके बच्चों में कहना है कि हमारी जो 50% हमने जो लेने थे जनरल कैटेगरी को वो हमने ले लिए, लेकिन अब आगे जो फॉर्म भरेंगे उसमें हमारा नाम नहीं आएगा क्योंकि सरकार मेरिट लिस्ट पर उनको सिलेक्ट करेगी, फिर हमारे पास होने का फायदा क्या? सिर्फ मेरिट पे लगा देंगे। क्या हुआ कि ये सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ ये इस दौरान ही हुआ जब हमारा इलेक्शन था,
तो इस दौरान मैं अध्ययन को समय नहीं दे पाया और मैं खुद परीक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। प्रतियोगी परीक्षाएं मैंने दी हैं, यूपीएससी का 2017 का मेंस मैंने लिखा है, तो जुड़ाव काफ़ी है, लेकिन मैं इन दिनों चुनाव की वजह से अध्ययन में समय नहीं दे पाया, तो मैं अपडेटेड नहीं हूँ। रही प्रक्रिया की बातें, तो प्रक्रिया सीधी सी बात है, हरियाणा सरकार की जो भर्ती प्रक्रिया है वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। अब कैंडिडेट ने पैसे दे दिए, अब वो पेपर लीक होता है तो वो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार ने जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी जिम्मेवारी है, पेनल्टी उसके ऊपर लगनी चाहिए। एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए कि उसने आपको पे कर दिया, उसने साल दो साल पढ़ के अपना पेपर क्लियर कर दिया, उसके बाद वो आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो या आपकी जो भी भ्रष्टाचार की लिप्तियाँ हैं उनमें, उसकी सरकार और जो कंसर्न एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल है, कैंडिडेट उसके लिए सफ़र नहीं करने चाहिए। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर क्या कहना है, मामला कोर्ट में चला गया, अब डेट पे डेट। हरियाणा की कोई भी भर्ती का एक पार्ट है कोर्ट केस, क्योंकि अच्छे से करते ही नहीं है। आप क्यों नहीं उसको रीडिजाइन क्यों नहीं करते? आप किसी से सलाह ले लो भाई, जो फीडबैक, जो बच्चे जो परेशान हैं, आप बच्चों से क्यों नहीं, उनसे जो स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है रिक्रूटमेंट में, 50-100 आदमी वो जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो, या वो हजारों लाखों बच्चे जो पेपर दे के लगना चाहते हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है, वो बच्चे हैं। आप उन बच्चों से बात क्यों नहीं करते? आप उन बच्चों से पूछिए, सुझाव लीजिए उनसे, उनकी समस्याएं सुनिए, आप उनसे समस्या लेके सुझाव लेके उसका निराकरण करिए। आप असली स्टेक होल्डर के पास आप जाते ही नहीं है, किसी को टेंडर दे दिया। तो बड़ी चिंता का विषय, पढ़े लिखे लोग भाई अब पढ़ाई में भी, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में भी, हर जगह है, सरकार के लिए बड़ी चेतावनी है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू जगदीप भाई, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो भाई आगे कुछ हमारे एक जिला परिषद जी महेंद्र ठेकेदार जी, सर जी राम राम। राम राम भाई साहब, लोग शपथ लेने लग रहे, आप लेट पहुंचे। मैं बच्चा है मेरा, 2-1 साल का लड़का, उसका रात न नमोनिया हो गयो और फिर भाई उसने मैं दिखाने लग गयो, जो ही डॉक्टर कह जिद लेट हो गयो। अभी बेटे की तबीयत कैसी है? हाँ, ये बेटे की तबीयत ठीक है, उस 2-3 दिन डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा जी। हाँ, सिकता हुआ के भाँप भूफ दी है। अच्छा, हाँ, भगवान अच्छा, की दया से। यहाँ पे शपथ कैसी होती है, आपने पहली बार देखी है? पहले भी देख चुके ना, पहले मैंने और भाइयों की देखी है, दिलवाई भी है। अच्छा, मतलब जो करे और बैग उन रात में तो कहीं अच्छा। हाँ, खूब बढ़िया। के कुछ लगे, के कुछ काम करोगे? ना, काम बढ़िया करांगा सारा भाई साहब, बता दिया आपने जनता के बीच में, जिस तरह वोट मांगिया से ना, एक दिन थी तो मैं लगे को नहीं, मैंने 5-7 साल होली भैया में रंधियाणी, जिस तरह भैया ने वोट दिया से उस तरह बीच में इकट्ठा कर करके इन काम करांगा। जो सौदो चाहिए गो वो मंत्री जी करना, DC साहब करना सौदो लियांगा और गम्मा में लगावांगा, जायज काम खतर स्कूलों में खेलना में सारा बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अभी मैं मिलता हूँ आपसे। तो यहाँ पे राम राम जी। राम राम जी, और जी कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया जी। राम राम जी, नमस्कार जी। हाँ बिल्कुल। और मैं भी राम राम, ठीक से। अच्छा, कहाँ से, कौन से गांव से जिला परिषद जीते? तोसाम से, वार्ड नंबर 12 से, अनिता मलिक, वाइफ ऑफ राकेश मलिक जी। मैं जी, अब आपने यहाँ पे शपथ ले ली भाई, हाँ हम अच्छी नीयत से काम करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दी उनका भी काम करेंगे, ये तो है ना, बिना वो भेदभाव के काम करेंगे जी। तो अब क्या आपके तोशाम में जरूरत है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की? हर गांव में जावांगे, हर सबसे सलाह लेकर, जो वो काम करण का होगा बिल्कुल सहमति से, पहले उनकी राय फिर काम। धन्यवाद ही दोरा मार दे। हाँ होगा, वो भी होगा। तो धन्यवाद तो होगा ही, वो तो जरूरी। हाँ जरूरी है, जिस तरह वोट लिए थे ने उसे तरह जाके धन्यवाद करेंगे। जिस हल्के में, जिस वार्ड में, जिस पन्ने में हारे उसमें भी जाओगे? ना ना, इसी कोई बात नहीं, सब एक समान, सब एक समान बिल्कुल। चलो ये तो नॉर्मल सा है। क्या कुछ आपने काम लगे हैं जी गांव के, तो शाम के, हल्के के, दाएं बाएं के, ये जरूरी हैं, ये तो हम पहले झटके कराएंगे। तो शाम में क्रेश रेशन का मैं प्रधान हूँ और व्यापार मंडल का भी भाई, छोटे वाला भाई है। अच्छा, यहाँ से इन सब से मिलके जो भी दिक्कत होंगी जी, हर प्रकार की, उसमें उनका तन मन धन से सहयोग करेंगे, सरकार से जो मदद होगी लेके ऊपर तक, मुख्यमंत्री से लेके आनी होंगी या मंत्री जी से, जहाँ भी जाना होगा जाके काम करवाएंगे जी। तो लगे हैं काम हो जाऊंगे? हाँ बिल्कुल होंगे जी। या सरकार की में काम करे भी है के? बिल्कुल करने लग रही है जी, और अब तो पावर भी लेने लगने लग रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई यहाँ पे सारी बात कर ली, सबसे मिल लिए, और एक दो और खड़े हैं यहाँ पे, हम उनसे फिर चले जावा उनके पास। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद ही दोरा का क्या रहेगा सीन?
नमस्कार जी। जो अब आप जीते हैं जी, इसका श्रेय तो खैर ऑडियंस को, श्रेय तो सारी जनता को है। मेरे वार्ड नंबर 3 की जितनी भी जनता है सबने बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया। आपका वार्ड कौन सा था? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 आपका वार्ड नंबर 3? वार्ड नंबर 3 है जी, मेरी मिसिज पूनम जीती है वहाँ से। अच्छा, वार्ड नंबर 3 में मेरे यूँ समझो गाँव कौन कौन से है? गाँव मेरे मिथातल, चांग, सह, कलंगा, सरसा, घोड़ा, सुखी रानी और कलवास। आपका तो शानदार गाँव है। तो क्या आपके गाँव में किस चीज़ की कमी है, क्या जरूरत पूरी करोगे, क्या लगा है गांव में? देखो जी, सबसे पहले तो गांव में साफ़ सफाई होनी चाहिए। गांव कोई आए तो अंदर गांव में एंट्री करे तो अच्छा लगना चाहिए, गांव है कोई फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे ठीक है। और हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें भी थोड़ी कर्मचारियों की कमी है, डॉक्टर भी नहीं है, उनकी व्यवस्था कराएंगे। और जो समाज में पहले ही बने हैं, जिला पार्षद भी बने हैं, सरपंच भी बने हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ होती है जिसका सरकार की जो पॉलिसी होती है उसके घर घर पहुँचाने का काम हम करेंगे। पहले नहीं होता था, अब हो जाएगा। अब हो जाएगा जी, हम एक एक आदमी का ज़रूरी काम करेंगे जी। चलो धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। तो भाई कम है तो है, सबके काम होंगे, सबके काम करेंगे, घर घर जावांगे, गली गली जावांगे, लेकिन मेरा नहीं है, राजनीति बड़ी खतरनाक चीज़ है। बाकी यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई। हो गया शुरू। तो भाई एक और जिला परिषद है, इनकी तो बड़ी अजीब सी कहानी है, लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। कौन सा वार्ड है जी? वार्ड नंबर 13 है जी। वार्ड नंबर 13 गाँव कौन कौन से हैं? इसमें जी बजीणा, डाणी माऊ, दोनों निगाने, आलमपुर, थिलोड़, बादलवाला, बिडोला और भारीवास, सिंडवा, असैन, सालेवाला। वाह जी, सारे एक साथ में सुना दिए। अच्छा मोनू भाई साहब, आप इनके बारे में कुछ बता रहे थे। इनके लिए विशेष बात ये है कि पूरे जिले में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार हैं ये। 4,500 वोटों के अंतर का राज क्या है? राज ये है कि पिछला चुनाव ही हार गए थे, पूरे गाँव को दुख हुआ, पूरा गाँव इकट्ठा हुआ, पूरे गांव ने ये तो अब आज शपथ ली इन्होंने तो जीतने के, गांव ने चुनाव से पहले शपथ ले ली थी, पूरा गांव ढाणी माऊ एक तरफा वोट डालेगा राजा भाई को। राजा भाई प्राइवेट बस के ड्राइवर हैं और व्यवहार बहुत अच्छा है, पीछे की सहानुभूति बहुत अच्छी थी। ये सारा पैसा गांव ने लगाया, गांव ने वोट दिए और सबसे बड़ी अंतर के साथ जीत निश्चित करने का श्रेय मैं कहता हूँ ढाणी गाँव वासियों को जाता है। ढाणी वासियों की, ढाणी माऊ वासियों की सदाई जय रहे भाई। क्या बात है, ढाणी माऊ जैसे तो काम ही नहीं मिलेगा जी, बहुत नलका नहीं लाया, नलका लगवावांगे और जो भी सार्वजनिक काम से बिजली की तार टूट रही बिजली नाले हम नई लाई लावा अलग सारे काम करांगे। जो ना काम का विकास सार्वजनिक उनका उन तो पहले करांगे, फिर वो अपने बढ़ेंगे दुश्मन होगी तो फिर काम कौन सा काम का कोनी? या सोच है तो ये पहले आप हमारे पास आगे तो आपको चाहे बनी पहले होगा ना, गाँव वाले तो है ही। सही बात है, सही बात। आपकी इज्जत कराए तो दूसरे गाँव वाले नुगे भाई बढ़िया करे तो जिद प्यार प्रेम मिलेगा नू तो मिलेगा को नहीं, प्यार प्रेम तो रुपया भी कौन मिलता, रुपया हार गए हम जीरो बैलेंस था मतलब है, फिर गांव जीरो बैलेंस को ना, गांव के पास रफी थे प्यार प्रेम था सब खुश होना हमारे को दे दिया भाई। जब यह सोचो है ना कि गली से मरवा देंगे तार टूटी, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आम आदमी सब, हाँ ये होती है जी। कोई बड़े स्तर की बात करें तो झूठ बोला, बड़े स्तर की बात तो मुख्यमंत्री पे कौन करते, ये कौन करते हम ही खड़ा करा थे और मिससे ज्यादा मट्टी नहीं पिटी जाएगी भाई। भाई उन पर कौन तो मार पकड़ो होते को नौकरी मार में कौन ही, सही बात। छोटे मोटे काम से जो है वो सरकार पर हम करवा दें, सरकार देगी तो हम करवा देंगे, नहीं छोटे मोटे तो 1,500 काम ना करते भी कराए देंगे है को नहीं। तो ये काम तो मतलब सरकार नहीं करेगी तो हम किस तरह करावाए, हम तो हमारे पर्सनल काम के जो उसने पीछे इकट्ठे करके हम कर लिया है। तो भाई या फिलहाल वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।